बिग साइज मुर्गा है कितना बिग साइज मुर्गा है। साउंड आ रहा है सही है चलो। So hey guys, welcome back to the channel once again. This is Akash here and you're watching my YouTube channel Trips with Akash. Guys, आज है संडे और आज की राइड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं। आज की जो राइड होने वाली है वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई गई है। This is not a sponsored ride by Royal Enfield, but it is organized by Royal Enfield. और आज जितने भी लोग आने वाले हैं उनको तो मैं नहीं जानता स्पेशली, लेकिन आज जितने भी बाइक्स आने वाली है वो सारी रॉयल एनफील्ड की ही बाइक्स होगी ज्यादातर, क्योंकि राइड ही रॉयल एनफील्ड की है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं ताजपुर। जो लोग बंगाल में रहते हैं उनको पता होगा कि ताजपुर कहाँ है। हम लोग जाने वाले हैं ताजपुर सी बीच। मेरे घर से ताजपुर इज अबाउट 200 किलोमीटर वन साइड। तो जाएंगे, छोटी सी राइड है, मस्ती मजाक करेंगे और यार इट इज ऑल ओवर फन, मजे ही तो करना है बस। संडे की मॉर्निंग है और क्या। तो हमारी जो मीटअप टाइम था वो था 5:45 AM को, लेकिन अभी ऑलरेडी बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो आई हैव टू रश क्विकली बिकॉज अगर सारे लोग आ जाते हैं तो यार गाली खानी पड़ेगी एंड आई एम ऑलवेज लेट, तो और लेट में होना नहीं चाहता, तो आई हैव टू रश टू द पॉइंट। यही नज़दीक में है हमारी मीटअप पॉइंट, तो वहाँ पे चलते हैं। ठीक है चलो आ गए। यही तो बोला था इसकी पेट्रोल पम्प में सबको ठहरने के लिए, कहाँ गए है नहीं क्या गए। हाँ तो है सामने वाला में बोला तो पहले पेट्रोल भरा लेते हैं। तो सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि सारी जो बाइक्स है सारी रॉयल एनफील्ड की ही बाइक्स है। यहाँ पे खड़ी मेटियोर द न्यूली लॉन्च्ड बेबी थंडरबर्ड G50X, मेरी क्लासिक G50 और वहाँ पे और एक मेटियोर एंड GT650। तो जस्ट राइड अभी स्टार्ट होने वाली है, तो और एक बंदा आएगा वो शायद मिडिल ऑफ हाईवे से वो शायद ज्वाइन करेगा हम लोगों को। तो जो भी होता है जैसे भी होता है आपको दिखा देंगे। ठीक है चलो गाइस, ऑफिशियली हमारी राइड जो है स्टार्ट हो चुकी है। सामने जा रही एक GT650 और उसके सामने है हमारी अरिक्रम भाई की मेटियर 350 जो हाल ही में कंपनी से भाई ने ली है, क्योंकि भाई तो यही अपना सेल्स एक्टिविटी। और पीछे आ रही है एक मेटियर और एक थंडरबर्ड X350 और अपना तो यही क्लासिक 350। यार ये जो सुबह सुबह की जो राइड होती है ना, इसमें ना कुछ खास होती है। मतलब कई हफ्ते बाद ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह हम उठे हैं, ज़्यादा तो हम उठते नहीं है ना, नींद तो खुलती नहीं 10 बजे के आगे। क्या तो यही वो राइड है जो हमें नींद से जगाती है सुबह सुबह। वेदर की अगर बारे में मैं बात करूँ तो भैया एकदम चमत्कार वेदर है, ना गर्मी लग रही है ना तो भैया ठंडा लग रहा है, बस हल्की हल्की ब्रीज है बस। और यार हाईवे पे चलाने का मजा ही कुछ और है। बहुत दिन बाद लगभग अक्टूबर में मैं गया था उत्तराखंड, उसके बाद अभी मतलब राइड हुआ नहीं। एक्चुअली मैं बहुत बिजी बिजी का आदमी हूँ, मैं एक्चुअली बिजी रहता हूँ अपने काम में, तो इसलिए ज़्यादा राइड हो नहीं पाया और थोड़ी अभी पसंद काम भी था तो इसी कारण राइड हो नहीं पाया। लेकिन अभी तो सब कुछ खुल चुकी है, नॉर्मलाइज होने को है, तो अभी तो राइड होगी। तो ये आ चुका है दुल्हा गौर टोल। तो अपन तो टोल नहीं देने वाला क्योंकि आपने बहुत दिया था यमुना एक्सप्रेस वे में। कौन बोलता है कि बाइकर्स को टोल नहीं लगता, क्या नहीं लगता, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे या फिर अगला लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ो तो ज़रूर लगेगा। वो भी क्या दिन थे यार, अरे वाह। कोयला पर सो करंटली हम लोग आ पहुँचे हैं दुल्हा गौर टोल पर। दुल्हागढ़ टोल टैक्स में, मैं गोल्ड टैक्स बोल रहा हूँ, दुल्हागढ़ टोल टैक्स में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे रुकने का तो कोई मन नहीं था, लेकिन ऐसे ही जस्ट रुके हैं अभी क्योंकि सिर्फ 200 किलोमीटर ही तो जाना है, तो रुक रुक के ही जाए, तो आराम से जाने वाले हैं। तो
150 नहीं नहीं 150 नहीं इट फ्रॉम आवर होम इट्स आई थिंक 160 170 समथिंग लाइक दैट 148 समथिंग देखिए लेकिन गूगल में जब दिखाता है ना उससे ज़्यादा ही होता है किलोमीटर ये मैंने नोटिस किया तो आपको पहले मैं सारी बाइक्स एक बार फिर से मैं दिखा दूँ तो ये रही मेरी क्लासिक 350 ये रही राइडर रिजू की मेटियो 350 शोरूम स्पॉन्सर्ड भाई तो सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो पेट्रोल भी स्पॉन्सर्ड है और भाई का बाइक भी स्पॉन्सर्ड है ये एक भाई की थंडरबर्ड एक्स 350 ये है फिर से मेटियो 350 और एक GT 650 संडे को अगर हम लोग बोले कि इट्स ऑफिशियल राइड डे तो बुरा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखो बहुत भीड़ लगी हुई है भाई साहब बहुत सारे भाई तो चाय वाय पी ले फिर मिलते हैं ठीक है एक्चुअली मैं चाय पी रहा था और फिर उसके बाद मेरी नज़र गई कुछ हार्ले डेविडसन की बाइक के ऊपर ये वाला कौन सा है मुझे पता नहीं ये वाला भी कौन सा है मुझे पता नहीं ये सबका पता नहीं हार्ले डेविडसन मोड अबाउट सब एक ही दिखता है और इतने महंगी महंगी बाइक्स ना इसलिए नाम भी याद नहीं रहते क्या करें ये है हमारे भाई हरित्रम शाह इन्होंने सारी जो राइड है रॉयल एनफील्ड की ऑर्गेनाइज की है भाई ने तो अगर आप कोई भी बाइक खरीदना चाहते हो तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए भाई का नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्या खिलाने वाले हो आज क्या खिलाने वाले हो बहुत अच्छी है बहुत नहीं खिलाने वाले क्या हो भाई ने 230 रुपीस ली है क्या खिलाएगा अगर अच्छा नहीं खिलाया ना मेल कर दूंगा वाले ठीक है नहीं ऐसे ही जस्ट मस्ती मजाक तो चलता रहता है हमेशा भाई है अपना ये रहा अपनी सारी बाइक्स यहाँ पे और वहाँ पे अपनी एक बाइक तो यहाँ पे अपनी और यहाँ पे सब अपनी जितने भी टीम मेंबर है उन सारे की बाइक और यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इंडियन होटल रेस्टोरेंट पे ये है कोलाघाट में और ये रहा अपना KFC तो रॉयल एनफील्ड वाले खिलाएंगे नहीं KFC में तो यहाँ से नाश्ता हम लोग कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं जो भी अच्छा ही है वैसे भी तो ये बिल्कुल एकदम हाईवे के पास और एक चीज़ हुआ था कि मैं सीधा निकल गया था तो बहुत दूर चला गया था फिर 6 किलोमीटर्स में वापस आया तो थोड़ी वहाँ पे टाइम गई तो ठीक है एक्चुअली मेरे को कोई दिखा नहीं लाउड एग्जॉस्ट क्यों जनता पूछना चाहती है इतनी लाउड एग्जॉस्ट क्यों कुछ भी नहीं पता तो लगाया क्यों पंचायत लगा दिया जो पीछे होता है ना उसका कान माथा सब कुछ खराब हो जाता है यहाँ नाश्ता आ चुका है तो नाश्ता खा के मिलते हैं आपसे मेरी एक्शन कैम अभी तो नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हो वहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे आज की हम लोगों की स्टे है वहाँ पे तो रिलैक्सिंग मोड चालू है वहाँ पे भी सब कुछ चालू है लेकिन हमारे जो ऑडिट्रम भाई है इतने हार्ड वर्क कर रहा है भाई साहब ये देखिए चिकन ये देखो कितना बिग साइज है मुर्गा है कितना बिग साइज मुर्गा है तो भाई ने तो बहुत हार्डवर्क की है ये जगह ढूंढने के लिए तो थैंक्स टू भाई तो भाई आपने ये जगह ढूंढा कहाँ से जरा बताएंगे कि आप क्या पहले आ चुके हैं यहाँ पे तो भाई तो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे तो वहाँ पे तो गाना फाना ऑलरेडी चालू है सब लेकिन सामने नहीं जा सकते क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर वक्कर है आपको तो पता ही है तो हरित्रम भाई ने फॉर्म दी है ये कुछ इस तरह से दिखता है तो ये किस लिए ये हमारा कंपनी का एक इंडिविजुअल
फ्रॉम है कंपनी का रूल्स है, कंपनी का रूल्स है, तो तुम हम लोगों को सर क्यों नहीं बोल रहे? हमेशा गेस्टर होना चाहिए सर ये लोग है, सर ये लोग फॉर्म ऐसा बोलना चाहिए क्यों नहीं? तुम ऑर्गेनाइजर हो, तुम हम लोगों को रेस्पेक्ट दोगे, सर ये लो, सर ये लो, सर फ्री में लो, सर ये लो वो लो, तो बम बम फिलअप करते फिर मिलते हैं आपसे। तो पहले मैं आपको ताजपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं, मतलब जितना मेरे पास जानकारी है। तो ताजपुर इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, ये दीघा नाम की एक जगह है जो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट लोकेशन के लिए, थोड़ी सी रिमोट सी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं छुट्टियाँ मनाने, वैकेशंस मनाने, आप जो भी बोल लो, जो भी कह लो। और वन डे में क्या होता है कि आपको जो होता है ना वो ज़्यादा मतलब सब कुछ चाहिए होता है, थोड़ी सी राइड भी चाहिए होता है, थोड़ी सी फन, थोड़ी सी इन्जॉयमेंट, थोड़ी सी गपशप, सब कुछ चाहिए होता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये जगह ढूंढा। जस्ट लुक एट द व्यू, यहाँ से देखो पूरा समुंदर है, यहाँ से पूरा समुंदर है, पूरा वहाँ तक जाता है पूरा समुंदर। यहाँ पे आके रिलैक्सिंग मोड एकदम चालू है हम लोगों की। तो ये जो दादा है ये आए है असम से। I'm from Assam, I'm from Louis Traders Assam, Assam. इनका इनका एक क्लब भी है, वो नाम है उनका Louis Traders Assam मोटरसाइकिल क्लब। ओके। और अभिजीत दा जो है वो मेरा अच्छे से जान पहचान है। अच्छा, और मेरे से भी बहुत अच्छा पहचान हो चुका है अभिजीत दा का, और बहुत सारे जगह अभिजीत दा राइड कर चुका। ये भी हमारे साथी है, थोड़ी एज में डिफरेंस है लेकिन जोश अभी भी वही है, सीनियर राइडर है, सीनियर राइडर है, जोश एकदम फुल ऑन है। जब राइड की बात आती है, जब बाइकिंग ब्रदरहुड की बात आती है, तो सब एक जगह हो जाते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते, तो यही तो होती है राइड बेसिकली। आज की जो कार्यक्रम है वो हमारी खत्म हो चुकी है। होप कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा। घर जाने के रास्ते में मैं ब्लॉग नहीं करने वाला, क्योंकि वही सेम रास्ता दिखा के, सेम रूट दिखा के आपको क्यूब पकाऊ, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो यू नो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, टिल देन चेयर्स द सन, फील द विंड एंड कीप मूविंग।